Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN9। मैं हूँ श्वेता। इंदौर के रहने वाले प्रदीप कुमार गुरुवार को भारत के कई राज्यों की यात्रा कर अपने वतन इंदौर वापस लौटे। प्रदीप कुमार का परिवार वालों और रहवासियों ने जोरदार स्वागत किया। प्रदीप कुमार एक विकलांग है, लेकिन उनके जज्बे और हिम्मत से उन्होंने यह यात्रा पूरी की। प्रदीप कुमार ने बताया कि यह यात्रा साइकिल से 8 महीने 15 दिनों में लगभग 10,400 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। यात्रा का उद्देश्य था कि स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत और पर्यावरण सड़क सुरक्षा हित के लिए की गई। संजय दत्त के जीवन पर बनी फिल्म संजू शुक्रवार को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई। इंदौर के कस्तूर टॉकीज में फिल्म के पहले शो की शुरुआत बहुत ही खास हुई। इसमें संजय दत्त के गेटअप में सोनू वाधवानी पहुंचे थे, जिन्हें देखकर संजू बाबा को चाहने वाले लोगों में जोश आ गया। संजय दत्त के फैन सोनू ने सभी दोस्तों के लिए पूरा टॉकीज बुक किया था। फ्री में मूवी टिकट भी बांटे गए। शिवसेना का प्रादेशिक सम्मेलन शुक्रवार को इंदौर में संतोष सभागृह रानी सती गेट पर हुआ। इसमें शिवसेना ने घोषणा की कि प्रदेश के सभी 230 सीटों पर शिवसेना चुनाव लड़ेगी। मुंबई से आए राष्ट्रीय संगठन का भी इंदौर के शिव सैनिकों ने जोरदार स्वागत किया। इस बार पूरी मध्य प्रदेश के अंदर बड़े बड़े नेता, खुद उद्धव साहब भी आम सभाएं लेंगे, आदित्य साहब भी आम सभाएं लेंगे, जितने हमारे 18-19 सांसद हैं उन लोगों की भी ड्यूटी यहाँ लगाएंगे, कई मंत्री हैं उनके यहाँ भी ड्यूटी लगाएंगे, और इस बार हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनकर इस मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। जिला मुख्यालय आगर मालवा में माली समाज के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया कि हाल ही में मंदसौर में हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपियों को फांसी की सजा मिली। समाज जनों ने बताया कि समाज के इस तरह की घटनाक्रम शर्मनाक है, जिसको लेकर संपूर्ण माली समाज इसका विरोध करता है और न्याय व्यवस्था से निवेदन करता है कि आरोपी को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिले। सबक सिखाने के लिए आप नवयुवकों को सारे को उठ करके खड़ा होना पड़ेगा, साथ में चलना पड़ेगा और प्रशासन को भी इससे अवगत कराना पड़ेगा। प्रशासन की भी आपको आप लोगों को मदद लेना पड़ेगी। इसलिए सारे लोगों को इस विषय पर खड़े होकर के बुलंद आवाज करके, और जो हमारे साथ मंदसौर में हमारी बच्ची के साथ जो हुआ है, उस विषय को लेकर आप लोगों को किसी भी कीमत में उसको बख्शना नहीं है। समाज के अंदर अगर कोई भेड़िया है तो उसको पहचान तो सकते नहीं, कैसे घटना होती है, लेकिन समाज को भी इसमें जागरूक होना पड़ेगा और समाज को भी शासन के साथ मिलके इस प्रकार के अगर लोग हैं तो उनकी छानबीन करना पड़ेगी। और बच्चियों को भी मेरा मानना है कि थोड़ा समझाएं, और छोटी छोटी बच्चियाँ जो समझती नहीं है उनको भी अकेला न छोड़े तो ज़्यादा। हंडिया मध्य प्रदेश शासन के पूर्व राजस्व मंत्री एवं सांसद प्रतिनिधि कमल जी पटेल द्वारा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की तेंदुपत्ता संग्राहक योजना वर्ष 2016 के 14 ग्रामों के 1521 तेंदुपत्ता संग्राहकों को उपहार स्वरूप महिलाओं को एक साड़ी एवं पानी की बोतल तथा पुरुषों को पानी की बोतल दी गई। इस अवसर पर पूर्व राजस्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी वर्गों के हितों का ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की योजना चला रही है, जिससे कि गरीब वर्ग को शासन की योजनाओं का समुचित लाभ मिल सके। अमेरी जंगल से हिरण के शिकार की जानकारी मिलने से पुलिस अधीक्षक देवांश अंशुमन सिंह द्वारा शिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु नीरज चौरसिया को निर्देशित किया गया, जिनके द्वारा थाना प्रभारी खातेगांव तहसीब काजी के नेतृत्व में मुखबिर लगाने हेतु टीम बनाकर कार्रवाई हेतु निर्देशित किया। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि अमेली में जंगली जानवर के शिकार की सूचना पर टीम ने घेराबंदी कर मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी, तो मौके पर आरोपी मुबारक उर्फ पायलट खां पिता हबीब खां, लाल खां पिता मजीद खां को गिरफ्तार किया। तीन आरोपी गिरफ्तार हो चुके और शेष जो खराब लोग हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। अभी दो बंदूक अभी तक बरामद हो चुकी है, दो छुरे बरामद हुए हैं, खाली जो है आम के जो होके हैं वो भी बरामद हुए हैं। शेष के लिए भी प्रयास जारी है, हमारी टीम जिसमें जो शेष आरोपी बचे हैं 5 उनके भी पूरे प्रयास कर रही है।
कबीर जयंती समारोह सद्गुरु कबीर आश्रम डिंडोरी के सद्गुरु जन कल्याण सेवा समिति एवं सर्व कबीरपंथी पनिका समाज के द्वारा विगत दिवस 28 जून को सद्गुरु कबीर प्रगट दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया, जिसमें सद्गुरु कबीर जन्म उत्सव कार्यक्रम भी प्रातः 8 बजे कबीर खान में ध्वजारोहण कार्यक्रम तत्पश्चात सायंकालीन चौका आरती एवं रात्रि में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। सद्गुरु कबीर जन कल्याण सेवा समिति एवं सर्व पनिका समाज के द्वारा बड़े हर्ष और उल्लास के साथ कबीर जयंती मनाई गयी। आज की खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए IBN9।